तो अभी हम लोग कहाँ पे आ गए क्या? अभी मार्केट में आ गए हम लोग। हाँ अभी धीरे धीरे मार्केट घूमेंगे, जैसे जैसे शाम होती है ठंड बढ़ने लगी अभी। और हम लोग जैकेट से याद आया, ठंड से याद आया, ठंड से याद आया भाई, ठंड से याद आया। चाबी लाए, चाबी ठंडी लाई, जैकेट ले लो। ठंड से याद आया कि ठंड बजेगी तो जैकेट लेके मैं आयो गाड़ी में रखता हूँ, रखा है मैंने। तो गाइज ये आबू का रियल मार्केट है, यहाँ से है ना सीधा नकी लेक जाएंगे अभी हम लोग। तो ये मेन मार्केट है पूरा, यहाँ से इस तरफ पार्किंग था, हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे पार्क किया, यहाँ से ऊपर होके हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, इस तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा मार्केट है इस तरफ। तो थोड़ा सा अभी खाएंगे, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है तो कुछ खाते पीते हैं और फिर नकी लेक चलते हैं। तो यहाँ से है ना मार्केट में व्हीकल अलाउड नहीं है, तो ये पूरा मतलब व्हीकल फ्री जोन है। तो सब लोग चिल करते हैं यहाँ पे, वॉक करेंगे। सामने नकी लेक है, यहाँ का आइसक्रीम बहुत फेमस है, चॉकलेट रूम, ये पूरा आइसक्रीम बहुत फेमस है। तो गाइस ये ना बहुत ही पुराना गाड़ी है ये, मतलब आउट ऑफ पूरा चेंज हो गया है, लेकिन ये नहीं गया। इसमें बैठो और आपको सनसेट पॉइंट लेके जाएंगे। ये नया कुछ आया है जो चिल्लाता रहता है आइसक्रीम खिला खिला के। क्राउड देखेंगे ना तो 50% ही है, 100% नहीं है, मतलब अच्छा है, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, वैसा है। तो गाइज अभी शाम हो चुका है, ऑलरेडी 5:30 हो गया है और यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट मतलब अंधेरा ज़्यादा जल्दी हो जाता है बिकॉज विंटर भी है। और ये देखो बोटिंग भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा प्लान है कि पूरा लेक वॉक करके घूमने का, लेकिन ये अपना पब्लिक है ना हार चुका है, तो सोच रहे हैं कि मैं और बालू चले जाएँ कि क्या करें, ऐसे एक वॉक मार के आ जाते हैं। बाकी चहल पहल तो आप मार्केट में देख रहे हो, ठीक है, डिसेंट है पब्लिक, ज़्यादा क्राउड नहीं है और कम भी नहीं है। और धीरे धीरे ना ठंडी बढ़ने लगा है, तो थैंक गॉड कि मैं ये जैकेट लेके चल रहा हूँ, अच्छा है। और एक कैप भी है मेरे पास, क्योंकि 100% एक घंटे बाद है ना यहाँ ठंड शुरू हो जाएगी। अभी मैंने सॉफ्टी खाया ना तो मेरे को कोल्ड हो गया है एकदम, एक्चुअली नहीं खाना चाहिए था। तो देखते हैं, अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम लोग वॉक करके आते हैं, फिर डिनर करेंगे और फिर यहाँ से फिर होटल जाएंगे, वैसा प्लान है अभी। बाकी तो माउंट आबू अगर आना होना तो आप कभी भी आ सकते हो, और स्पेशली विंटर में अभी ये टाइम पे आओगे ना तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ठंड जिसको पसंद है ना उसके लिए बेस्ट जगह ही है। तो वैसा है, जिसको बहुत ही ज़्यादा ठंड पसंद है, कल तो ज़्यादा ही मतलब गजब की ठंड थी, वो आज इतनी नहीं है, पता नहीं हम लोग इतना घूम फिर के आए इसीलिए बॉडी में थोड़ी सी गर्मी है, इसीलिए हो सकता है, बाकी तो मस्त है, वेदर बहुत सुपर है। तो नकी लेक के कॉर्नर पे ना गार्डन है ये वाला, यहाँ से अंदर जाके आप अब टिकट ले सकते हो और बोटिंग एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट अंदर हाँ वाटर रोलर कोस्टर बोलते हैं, सबू ने बोला ये। तो अंदर देखो 2-3 बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और पिंटू हमारा कुछ तो वीडियो ले रहा है।
ऐसा जगह नहीं। तो देखो हम लोग फाइनली अभी मेन अकेलेंग पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पे सब लोग चिल करेंगे, फोटो सेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे जाना था बट मिस हो गया। घर की नंबर प्लेट ये देखो, अभी ये भाई साहब यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कैलीग्राफी करके। तो गाइज अभी आ गए हैं हम लोग फाइनली अपने होटल में, और 7:15 जैसा कुछ हुआ है टाइम। तो अभी हम लोग थोड़ा सा थक गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर डिनर करेंगे। तो अगर ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बजा देना ताकि आपको नए ब्लॉग के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और गुड नाइट।